अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साद बीबीसी स्टूडियो। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद बीबीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ टॉप 10 जो है LUTs शेयर करूँगा। तो ये साइनामेट के प्रोफेशनल LUTs हैं जो आप लोग 1 क्लिक करके डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इनको यूज़ किस तरह करते हैं और किन पिक्चर्स के ऊपर इनको यूज़ करना चाहिए, तो आज की ये जितनी भी बातें आज आप लोगों को वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो इंशाल्लाह गाइस वीडियो के अंदर जरूर वॉच करना। तो ये टॉप 10 जो है ये प्रीस्ट है, आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर किए हैं, जो आप लोग 1 क्लिक करके डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे वो ये पिक्चर है, ठीक है। इसकी ब्रेड को भी थोड़ा सा सेट करेंगे, फेस को भी नीट एंड क्लीन करेंगे, और ये LUTs यूज़ करके आपको मट्टी डीमार्क जो अफेक्ट होता है वो अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक होने वाली है। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जो भाई मेरे चैनल के ऊपर नहीं हो, हमसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन कॉल करें, क्योंकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो गाइज यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि अडोब फोटोशॉप के अंदर मैंने मैनुअली एडिटिंग की वीडियो जो है ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा शेयर की गई है। तो जो भाई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। अडोब फोटोशॉप की मैनुअली एडिटिंग की वीडियोस आप लोगों को मेरे चैनल के ऊपर से ही मिलेंगी। तो यहाँ पर जो आप लोगों को बैकग्राउंड PNG LUTs कैमरा फिल्टर जितनी भी चीज़ें अडोब फोटोशॉप के अंदर यूज़ होती हैं तो वो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल से ही बिल्कुल फ्री के अंदर डाउनलोडिंग करने को मिलेंगी। तो देन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ती हैं। तो गाइज मैं ये चाहता हूँ कि थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा लेके आऊँ। तो यहाँ पर अडोब फोटोशॉप के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं, स्किन को थोड़ा सा रीटच करेंगे, रीटच करके इससे जो है साइनामेटिक कलर्स के जो LUTs हैं वो भी यूज़ करेंगे और मट्टी डीमार्क के भी इसका इफेक्ट जो है अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है रीटचिंग करेंगे। तो रीटचिंग यहाँ पर इजीली स्टेप के साथ करेंगे, ठीक है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक मिल जाएगा स्किन रीटचिंग एक्शन का, ठीक है। तो आज हम फास्टली वर्क करेंगे और यहाँ पर जो आप लोगों को नीट एंड क्लीन जो है वर्क करके दिखाएंगे। यहाँ पर स्पॉटल टूल की मदद से मैं छोटे छोटे जो फेस के ऊपर से डॉट से वो मैंने रेज कर लिए हैं, ठीक है। तो अब जो है ना मैंने यहाँ पर आप लोगों को जैसे बोला है कि इसकी मैनुअली रीटचिंग करेंगे, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों के साथ एक्शन शेयर किया हुआ था स्किन का। तो जैसे कि ये स्किन रीटचिंग साथ बीबीसी स्टूडियो, इसका जो है लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल वे सा स्टेप आपने डबल क्लिक करके एक्शन इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोगों ने ये प्ले कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली प्ले करेंगे तो इजीली आपका जो है नीचे लेयर ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं कोई भी बटन यूज़ करूँगा कीबोर्ड का तो आपको ऊपर जो है इसका डिस्प्ले शो होगा। तो गाइज यहाँ पर मैं कोई भी की पैड का बटन प्रेस करूंगा तो वो आप लोगों के सामने शो होगा। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं अपने ब्रश का साइज बड़ा करना चाहता हूँ। ये जो है बैक स्पेस के नीचे जो है लाइन के अंदर जो है ये ब्रैकेट होती है जिससे आप अपने ब्रश का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। ये आप लोग ऊपर बात कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर मैं टैप कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें ब्रश अप और छोटा, ठीक है। तो यही चीजें होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह आप जो है जो भी मैं यहाँ पर वर्क करूंगा आप लोगों के साथ तो यहाँ पर आप लोगों को कीपैड जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इजीली फास्टली जो है इसकी स्किन की रीटचिंग करते हैं। ये एक्शन बहुत फास्ट वर्क करता है। मिक्सर टूल ब्रश के अंदर आप लोग इसे एक्शन को यूज़ करें और मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ करें तो इंशाल्लाह आप भी प्रॉपरली बेस के ऊपर सेम इस तरह की जो है फेस की रीटचिंग कर सकेंगे। तो गाइज LUTs आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर यूज़ करेंगे। ये आउटडोर के LUTs हैं, इंडोर के LUTs बिल्कुल भी नहीं है। ये आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर यूज़ करने के लिए ये LUTs हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री कलर जो है वो यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। साइनामेट जो कलर है यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे से जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, सिर्फ गाइज आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आउटडोर सेटिंग के ऊपर लेके आऊँगा, आउटडोर कैमरा की सेटिंग किस तरह करते हैं और किस तरह उसका प्रोफेशनली शूट करते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आज की वीडियो को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी तरह ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं शेयर करता रहूँगा। तो यहाँ पर फास्टली वर्क कर रहा हूँ, फास्टली मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये नेचुरल स्किन की रीटचिंग हमारे सामने जो है प्रीव्यू करें। यहाँ पर जो है नीचे भी ईजिली मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो गाइज ये देखें एक्शन के जरिए से मैंने कितनी फास्टली जो आपने स्किन की रीटचिंग की है। तो ये एक्शन जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के लिंक से मिल जाएगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इसके जो LUTs हैं कैसे इंस्टॉल होती हैं और कैसे यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं केमिस्ट्री कलर को जो है यूज़ करूँगा, पहले जो है साइनामेटिक कलर और जो है डीमार्क कलर मट्टी कलर जिसे हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान के अंदर, ठीक है। तो अदरवाइज़ यहाँ पर जो है हम इजीली जो है यहाँ पर स्किन की रीटचिंग हमने कर ली है, ठीक है। तो स्किन की रीटचिंग कर ली है, नीचे से भी गर्दन को भी नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क थोड़ा सा हमने फास्टली किया है क्योंकि हमने स्किन की रीटचिंग हमने फर्स्टली ही करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस स्किन की रीटचिंग हो चुकी है। यहाँ पर मर्च डाउन करूंगा फर्स्ट लेयर को। ठीक है, तो ये देखें बिफोर आफ्टर कितना इजी वे सा स्टेप था। ठीक है, तो अब जो है कंट्रोल शिफ्ट एक्स करूंगा। लेटिफाई के अंदर इसकी जरा दाढ़ी की जो है ब्रेड है तो उससे थोड़ा सा सेट करेंगे। ठीक है, लेटिफाई के अंदर आ जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एक्स इसकी शॉर्ट की है, तो यहाँ पर जो है मैं थोड़े से यहाँ से इसकी जो है ब्रेड के हेयर्स को सेट करूंगा, थोड़े से मेंटेन करूंगा, जिससे पिक्चर्स की थोड़ी सी क्लेवर लुक जो है शो होगी। मैं आप लोगों को बिफोर आफ्टर शो करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओके है, हेयर्स भी ओके ही हैं। ठीक है, यहाँ पर इजीली थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स की लुक जो है जनरेट कर देती है। ठीक है, यहाँ पर ओके हो गया, ओके हो गया। तो यहाँ पर जो है थी ये हमारी फर्स्ट लेयर थी। ठीक है, ये अब जो है हमने स्किन की रीटचिंग की है, इसे मैंने डुप्लीकेट लेयर कर ली। अब इसे कैमरा के अंदर ले जाऊंगा, फिल्टर कैमरा के अंदर। तो कैमरा के अंदर इसे ऑटो के ऊपर करूंगा क्योंकि इसकी थोड़ी सी लाइट को जनरेट करूंगा। तो यहाँ पर ऑटो के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए आप लोगों के सामने बिफोर आफ्टर शो करवाता। यहाँ पर ये देखें पहले पिक्चर ये थी। अब ऑटो के ऊपर जब मैंने क्लिक किया उसकी सारी जो है ऑटो उसने ट्यून सेट कर दी है। तो यहाँ पर ओके करता हूँ, तो ये देखिए हमारी पिक्चर जो है कलर्स के अंदर थोड़ी सी आ चुकी है बिफोर आफ्टर। ठीक है, पहले हमारी पिक्चर ये थी, फिर बाद में हमने रीटचिंग की और थोड़े से इसके हेयर सेट की और बाद में हमने इसके ऊपर इसकी ऑटो ट्यून करके इसकी एडजस्टमेंट की है। अच्छा, तो गाइज अब जो है ना मेन काम यहाँ पर शुरू होता है। तो यहाँ पर मल्टी डीमार्ट कलर्स जो है हम यहाँ पर जो है सोल्डी कलर्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर जो है हमने नीचे अपना कलर्स का टाइप करने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हैश डालना है, शिफ्ट 3 हैश 2D, यहाँ पर 2D। तो यहाँ पर देखें मैंने 3 दफा 2D यानी कि 2D 3 दफा लिखे हैश डाल के। ठीक है, तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं 2D बोल रहा हूँ कि 2D गाड़ी का मैं नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है हैश 2D आप ये कलर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ब्लाइंड ऑप्शन के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये देखें ब्लाइंड ऑप्शन, बिल्डिंग ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पर जो है आप लोग आल्ट को प्रेस करते हुए इसके कलर्स को आपने लो कर देना है। ठीक है, आल्ट को प्रेस करते हुए। तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, तो ये देखिए हमारे सामने जो है डिमार्क कलर थोड़ा सा आ चुका है। ठीक है, बाद में साइनामेटिक कलर जो है इसके ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसकी ऑप्टिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको कितना हार्ड चाहिए, कितना लाइट चाहिए, लाइट जितना भी आपको चाहिए यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने ये कलर ऐड कर दी है। ठीक है, यहाँ पर मर्च डाउन करूँगा। यहाँ पर आप लोग बात कर सकते हैं, पहले हमारी पिक्चर ये थी। ठीक है, तो जूम आउट, अब हमारी पिक्चर ये है नीट एंड क्लीन। अब जो है इसके ऊपर मैंने ये इफेक्ट जो है अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 3D लट्स की। जैसे कि ये लट्स टॉप 10 मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये लट्स जो है मैंने आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री के अंदर शेयर किए हैं। तो अब इनको यूज करेंगे आउटडोर पिक्चर्स के ऊपर। तो अब देखेंगे इसकी कलर लुक किस तरह से जनरेट होकर हमारे सामने आती है। तो अगर आप लोग इकट्ठे से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को मेथड बताऊंगा कि आप वन क्लिक के अंदर सब किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज के अंदर जाएंगे, एडजस्टमेंट के अंदर जाएंगे, कलर लुकअप के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3D लट्स जो है हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर 3D लट्स है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है लोड 3D लट्स। ठीक है, यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर मैंने रखे हुए हैं, तो ये आ चुके हैं। मैं फर्स्ट लट्स को अप्लाई करूंगा, तो ये देखिए हमारे सामने किस तरह का कलर बन के आया है। ठीक है, तो आगे हम और यूज करना चाहें तो यहाँ पर दूसरा भी मैं यूज करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर किस तरह की कलर लुक आई है, और यहाँ पर तीसरे को भी यूज करके दिखाता हूँ। ये सारे जो है ना बहुत अच्छे से टॉप 10 जो है ना ये कलर्स फिल्टर मैंने लट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पर तो मैं लोड करके एक फिल्टर को अप्लाई कर रहा, तो ये सब फिल्टर को मैं एकदम ही यानी कि कॉपी करके इसे अडोब फोटोशॉप के अंदर पेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सब फाइल्स को कॉपी किया, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसे डाउनलोड कर लेना है। तो इजी वे के स्टेप के साथ आप लोगों ने कॉपी करना है, यहाँ पर सी के अंदर जाना है। तो यहाँ पर प्रोग्राम फाइल के अंदर अडोब फोटोशॉप। ठीक है, यहाँ पर अडोब फोटोशॉप 2019 आप किसी के भी अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर प्लगइन है। ठीक है, तो प्लगइन पुलिट प्रीसेट के ऊपर जो है 3D ये देखें। ठीक है, यहाँ पर मैं इजी वे के स्टेप के साथ जब पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर देखें मैं कॉपी कर रहा हूँ, तो डू नॉट शो अगेन सब ये देखें ये जो है प्रीसेट हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। ऊपर हैशटैग लिखा हुआ है साद BBC स्टूडियो। तो यहाँ पर आप लोगों को फिर समझा दूँ कि आपके पास कोई भी अडोब फोटोशॉप है, आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अपना अडोब फोटोशॉप इंस्टॉल किया होगा, या जैसे कि यहाँ पर मैंने सी ड्राइव के अंदर किया हुआ है। यहाँ पर प्रोग्राम फाइल है। ठीक है, यहाँ पर अडोब फोटोशॉप है। अडोब फोटोशॉप 2 मॉडल 3-4 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैंने अनइंस्टॉल किए हुए 2021 2019 यूज़ कर रहा हूँ। 2019 को ओपन करता हूँ, यहाँ पर प्रीसेट है। ठीक है, तो ये प्रीसेट है, प्रीसेट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। सबसे सेकंड वाली फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट जो है ना, यहाँ पर 3D LUTs है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये पेस्ट कर दिए, तो ये आप लोग वाच कर सकते हैं। ये मेरे LUTs जो है यहाँ पर आ चुके हैं, ये फर्स्ट वाले जो है ना मेरे LUTs आ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो है हम अडोब फोटोशॉप के अंदर जो है इमेज एडजस्टमेंट, ठीक है, कलर लुकअप के अंदर जो है हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हमारे जो है यहाँ पर शो नहीं है। उसका मतलब ये है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इंस्टॉल करना था, ठीक है, तो फिर जाके ये शो होने थे, ठीक है। तो मैं आपको फिर जो है इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर इमेज के अंदर जाएंगे, एडजस्टमेंट के अंदर जाएंगे, कलर लुकअप के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देखें, मेरे प्रीसेट जो है मैंने इंस्टॉल किए हुए थे वो आ चुके हैं, ठीक है। ये देखें कितने अच्छे थे, फंटेस्टिक जो है आउटडोर जो है डिमार्कमिस्टिक कलर्स के जो है फिल्टर, जैसे कि ये है, इसके अंदर कलर काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पर ओके करके यहाँ पर आप लोग लो कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मुझे ये फिल्टर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिक्चर्स की रेजोल्यूशन के हिसाब से आप काम किया करें। कहने का मतलब ये है कि ये जो LUTs है, ये LUTs जूम आउट पिक्चर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। ये क्लोजअप की पिक्चर है, क्लोजअप की पिक्चर्स के ऊपर कोई डिफरेंट जो है यहाँ पर लगेगा, अजीब अजीब सा लगेगा, ठीक है। तो ये बीच में क्लोजअप पिक्चर्स के भी हैं, हार्ड पिक्चर्स के भी हैं। ये देखें आप लोगों के सामने, ये मैं अप्लाई करता हूँ और ये देखें हमारी पिक्चर जो है यस हो चुकी है, यानी कि A to Z कवर हो चुकी है। तो देख सकते हैं पहले पिक्चर ये थी, फिर ये और अब ये है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसके आइज़ के अंदर लेंस ऐड करना तो यहाँ पर डूजीज एंड बर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर डूजीज टूल है, डूजीज टूल को मैं यहाँ पर शेडो के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है, 100 के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज आप अपनी मर्जी से भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लाइट बना सकते हैं, लाइट दे सकते हैं आइज़ के अंदर, ठीक है। तो जिसके अंदर आपके आइज़ की लुक जो है थोड़ी सी क्लेवर लुक जो है शो हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइज के ऊपर है ही नहीं है, लेकिन अदरवाइज ये देखें कितनी अच्छी सी जो है पिक्चर्स की लुक जो है प्रीव्यू हो रही है। तो गाइज कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी वे सा स्टेप है। मैंने आप लोगों के साथ 2 से 3 मेथड शेयर किए हैं इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। तो गाइज डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी जो आप लोग 1 क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह गाइज मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद BBC। अल्लाह हाफिज़।